हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दूध से रेसिपी। तो देखिए, मैंने पैन लिया है और इसमें 3 कप दूध डाल देंगे। तो ये मेरा पहले से गर्म किया हुआ दूध है, तो 3 कप दूध डाल दिया है और इसमें डाल देंगे 1/2 कप शक्कर और 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे छोटी चम्मच से, और इसे मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें गांठे ना रहे, तो अच्छे से इसे मिक्सर से मिक्स कर लेंगे। अभी गैस पे मैंने नहीं रखा है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर गैस पे इसे रखेंगे। रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, मैंने गैस पे रख दिया है, इसे लो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसे पका लेंगे जब तक कि गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए, इसी तरह से चलाते जाएँगे और एक तो देखिए दूध गाढ़ी होने लगी है। तो इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच वनीला एसेंस, क्योंकि इसमें अपना कोई फ्लेवर नहीं है, तो इसे डाल दें। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो इलायची पाउडर डाल दें, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो इसी तरह से इसे मिक्स कर ले चलाते हुए, और घी डाल देंगे 1 चम्मच, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और इसी तरह से इसमें दिखा देती हूँ किस तरह का चाहिए हमें ये। तो देखिए, दूध हमारा बनके तैयार है, रेडी है, इतने ही चाहिए हमें गाढ़ा। तो इसे रख देंगे। ये देखिए, मैंने ग्लास मॉल लिया है और इसमें इस बैटर को डाल देंगे। तो ये देखिए, इसे थोड़ा ठंडा कर ले फिर डालें। और ये देखिए, तो इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा टेप करके इसे रख देते हैं सेट होने के लिए। तो चलिए, तब तक हम कैरेमल बना लेते हैं सॉस। तो कैरेमल सॉस बनाने के लिए देखिए, मैंने एक बाटी लिया, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसमें दूध डाल दें, सॉरी पानी डाल के इससे घोल बना लेंगे। 1/2 कप पानी डाल दें इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें ताकि इसमें गांठे ना रहे। तो ये देखिए, मैंने 1/2 कप पानी लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए, इसे गैस पे तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, इसमें डाल देंगे 1 कप शक्कर और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे ताकि ये अपने आप ही मेल्ट हो जाए। तो इसे तो ये देखिए, मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो इसे इसी तरह से मेल्ट होने दें, क्योंकि इसे हमें चलाना नहीं है, नहीं तो एक। तो ये देखिए, शक्कर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, कलर भी अच्छा आ गया है। तो इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर का घोल जो हमने तैयार करके रखा था, इसे डाल के चलाते जाएं लगातार। तो शक्कर में गांठे बनने लगी है, तो कोई बात नहीं है, अपने आप ही इसमें मेल्ट हो जाएगा तो जैसे जैसे चलाते जाएंगे। तो ये देखिए, हमारा कैरेमल सॉस का कलर कितना अच्छा आया है। तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी 1 चम्मच घी डाल दें, इसमें भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, तो इसमें घी डाल देंगे 1 चम्मच, तो थोड़ी देर और पका लें फिर ये हमारा कैरेमल बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। तो इतने बस इसी तरह का हमें चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा और अच्छे से सेट नहीं होगा। तो ये देखिए, तो मेरा ये पहले सेट कर ले तभी कैरेमल्स बनाए, नहीं तो क्या ये डालेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, दोनों एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो पहले वाले को सेट कर ले फिर ये बनाए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं चम्मच से फैला दूंगी अच्छे से। कैरेमल्स थोड़ा कम बनाए, आप ज़्यादा बनाइएगा ताकि इसकी लेयर अच्छी आए मोटी। तो ये देखिए, अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे कट करके दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है और बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनके तैयार होता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसे हर कोई बना सकता है और खाने में तो इसका बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसे मैं कट कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए, कितना अच्छा से सेट हुआ है। तो अगर ये मेरी वीडियो की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। फिर मिलेंगे। तो ये देखिए, इसे कितना अच्छा हमारा ये पुडिंग बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो फिर मिलेंगे नई।